अपनी रक्षा स्वयं करिए, कर वही अबल अपने छाड़ पर आई आस। परमेश्वर ने हमको अपनी रक्षा करने के लिए दांत दिए हैं, अपनी रक्षा करने के लिए दो भुजाएं दी हैं, और रक्षा करने के लिए थोड़ा सा दिमाग दिया है, थोड़ा सा दिल दिया है। तो सबसे पहले दिल को मजबूत करिए कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ी भुजाओं को मजबूत करिए और इनमें कौशल लाइए। भुजाएं कौशल से मजबूत होती हैं, दाव पेश से मजबूत होती हैं, जो आपको नीरज जी सिखाएंगे। जिम जाने से भुजाएं मजबूत नहीं होती, बस वो देखने लायक बनती हैं, जो मसल बिल्डिंग कहलाती हैं वो देखने लायक बनती हैं। भुजाओं में ताकत आती है कौशल से, हाथ पैर हिलाने से। तो हाथ पैरों के संचालन से कैसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, डॉक्टर नीरज जी आपको मार्शल आर्ट की पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर के समझाएंगे। और जब भुजाओं का कौशल थकने लगे तो पैर का कौशल करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, जिसे भागने का गुण हो संसार में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो ये दोनों गुण आप सीखिए, डॉक्टर नीरज जी आपको हाथ पैर के संचालन से सिखाएंगे कि किस तरह से अपनी रक्षा करने के लिए हमें खुद इतना मजबूत होना पड़ेगा कि सामान्य रूप से जब तक कोई बाहरी सुरक्षा हमारे लिए नहीं आती है तब तक हम अलर्ट रहें। और वैसे बच्चों बताएं, जो अपनी सुरक्षा करने भर का मद्दा पैदा कर लेता है उसका आत्मविश्वास 4 गुना बढ़ जाता है। आप कोशिश करो, मेरे लिए तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि आप ऑनलाइन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करेंगे। मेरा बस चलता तो मैं आपको ऑफलाइन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराता, और मैं कदापि कमजोर नहीं मानता हूं कि मेरी गर्ल्स कैंडिडेट तनिक भी कमजोर है। मैं तो मानता हूं कि मेरी एक गर्ल्स कैंडिडेट अगर मजबूती से तैयार हो जाए तो 4 बच्चों को तो मटिया मेट कर ही सकती है, 4 धुरंधर को मिट्टी पलिश कर सकती है। तो इसलिए आप ईमानदारी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, ऐसी जगह बैठिए जहां आपको पोजीशन लेने भर का जगह हो। बेटा अपने घर में नहीं, घर में भी ऐसी जगह बैठो, कुर्सी में झटा दो, मोबाइल कहीं दूसरी जगह टिका दो, हाथ में नहीं रखो, ऐसी जगह बैठो जहां आप हाथ पैर हिला सको, नीरज जी के साथ आप एक्शन कर सको। एक्शन करके आपको दिखाएंगे, या जो वीडियो प्ले करेंगे उस वीडियो के अनुसार अपने हाथ पैर हिलाने का प्रयास करो, इस तरह से आने पर हम ऐसा करेंगे, इस तरह से आने पर ऐसा करेंगे, और उसके बाद आप फिर अकेले प्रैक्टिस करना। डॉक्टर नीरज जी, मैं आपका माइक ओपन है, आप अपने माइक का प्रयोग करें। ओके सर। ओके से सबके माइक ऑफ हो जाएंगे, डॉक्टर नीरज जी अपने माइक को ओपन कर लें। डॉक्टर नीरज सर आप अपने माइक को ओपन करें सर। ओके, आपका माइक ओपन हो चुका है। एक बार फिर से ओपन करिए अपना माइक, आप फिर बंद कर दिए। नीरज सर माइक को ओपन करें, 2 बार आप टच करते रहे, अब नहीं ओपन हो पा रहा। ओपन करें, हाँ आपका माइक ओपन है। ओके सर कंटिन्यू। फिर ओपन करिए, आप माइक बंद कर दिए सर। नीरज जी हाँ माइक ओपन है आपका, कंटिन्यू। जी 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 बच्चों, नीरज जी को देखो, उनके एक्शन को समझो और उनके साथ अपने हाथ पैर हिलाने का प्रयास करो। ओके बेटा, मिशन शक्ति के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्शल आर्ट में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले जो भी व्यक्ति आक्रामक है आपके प्रति, उसके पकड़ने का तरीका और उसके पकड़ने के तरीके से किस तरीके से उसको बचाव करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो आपको पकड़ सकता है। तो सबसे पहले पकड़ने की तरीके में कलाई की पकड़ आती है, रिस्ट सेंस। जैसे कोई व्यक्ति किस ढंग से आपको पकड़ सकता, ये कलाई की सीधी पकड़ है,
अंगूठा जो है वो सीधा रहेगा और सीधे एक हाथ से आपके दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ेगा यानी सीधे सीधे दोनों हाथ पकड़ेगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके से आपको उल्टे तरीके से भी पकड़ सकता है जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ हो, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका मैंने बताया कि सीधे कलाई को सीधे पकड़ेगा, रिस्ट को जहां पे ये रिस्ट होती है अंदर की तरफ होता है। दूसरा उल्टे बच्चों नीरज जी का नेटवर्क कट गया है और नीरज जी फिर से जुड़ रहे हैं। आवाज को ओपन करिए सर। हाँ आवाज ओपन हो गई। आवाज आ रही जी। तो क्रॉस हैंड पकड़ते हैं कलाई को, इसमें भी बहुत ही तरीके हैं उल्टे हाथ। तो ये हो गया क्रॉस हैंड, रिस्ट कैसे दोनों हाथ पकड़ लेगा। और एक तरीका और है कि सिंगल रिस्ट कैच को दोनों हाथ से पकड़ने काफी मजबूत पकड़। नीरज सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, वीडियो आपने ऑफ कर रखा है। जी दूसरा तरीका दोनों हाथ से पकड़ने का, कलाई को बाया हाथ पीछे दाहिना हाथ ऊपर, ये काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। कैचर आपको जबरदस्त तरीके से इस ढंग से पकड़ेगा जिससे आप छुड़ा न सके। तीसरा तरीका दोनों हाथ से पकड़ का आगे से है। और एक तरीका है कि पीछे से पकड़ा जाए, कोई व्यक्ति पीछे से आक्रमण करता है और ये दोनों हाथ से कलाई को पकड़ता है तो व्यक्ति बेबस हो सकता है। ये पकड़ने के तरीके हुए। अब हमें क्रमशः ये जानना जरूरी है, सभी छात्राएं ध्यान देंगी, किस तरीके से हमको कलाई की पकड़ से अपने आप को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित स्थिति में लाना है, कैसे उसकी पकड़ से हमको छुड़ाना है अपने आप। हालांकि ये कहा जाता है कि सुरक्षा का सबसे बेहतरीन उपाय आक्रमण होता है, लेकिन सबसे पहले हमें स्वयं को सुरक्षित करने के बारे में सोचना होगा। इसके बाद हम उस स्थिति में जब आए कि हम उस पर आक्रमण कर सके, उसको बेबस कर सके, तो सबसे पहले हम कलाई की जो सिंगल रिस्ट कैच है उससे कैसे अपने आप को छुड़ाएंगे, इस विधा के बारे में आपको बताएं। जैसे मेरे हाथ को कैचर ने पकड़ा तो ये स्थिति हुई
उसने कलाई को पकड़ा है दाहिने हाथ से, और मैंने क्या किया, ये जो हमारी रेडियस गोल है आगे, रेडियस और अल्ना कलाई में जो हड्डियां होती है रेडियस अल्ना, सबसे पहले हाथ को खोलते हैं, मुट्ठी को बंद करते हैं, इसके बाद अंगूठे को मुट्ठी के बगल साइड में दबाते हुए अपने रेडियस को जो है अंगूठे के सीध में ले आते हैं, हिसाब से पकड़ेंगे। इसमें ले आने के बाद उसके कैचर की कलाई की जो पकड़ है वो थोड़ी सी ढीली होगी, अब आप देख सकते हैं, और दोनों पैर हमारी क्रॉस होंगे आगे पीछे की पोजीशन में, और सांस को थोड़ा सा रोकेंगे, सांस को रोकने से थोड़ी सी हमको ताकत मिलेगी, और पिछले हाथ को थोड़ा सा हम मुड़ेंगे, और मूवमेंट करते हुए तेजी के साथ मूवमेंट करते हुए अपने कलाई को मोड़ेंगे, कुहनी को मोड़ते हुए उसकी कुहनी से मार के ये धक्के से पीछे आ जाएंगे। ये हमने अपने आप को आजाद कर लिया। एक बार फिर 1 2 3 की पोजीशन में इसको जानेंगे, 1 दोनों पैर आगे पीछे हुए, क्रॉस कलाई को मोड़ा रेडियस को अंगूठे को अपनी तरफ, 2 3 ये झटके से जो हमने लगाया है इससे हम उसकी कैच से आजाद हो गए। दूसरा तरीका हमारा, फिर से एक बार बोल देते हैं, इस बार मान लीजिए और बताएंगे कि अपने बाएं हाथ से दोनों पैर आगे करेंगे, कंफर्ट पोजीशन में आ जाएंगे। कंफर्ट पोजीशन का मतलब यह होता है कि दोनों पैर पे बैलेंस बनाएंगे, घुटने को आगे मोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, और अपने पंजे को पकड़ेंगे, और फिर किस पंजे से ताकत लगा दे उसको अपनी तरफ खींचते हुए होते हुए उसकी मूवमेंट करेंगे, उसकी कुंडली पे जैसे ही टच लगेगी वाली जो हमने बताया। तीसरा तरीका एक बार फिर मान लीजिए उसने सिंगल रिस्ट कैच को किया है, फिर हम क्या करेंगे कि खोल लेंगे अपना पान खोल लेंगे, ये पंजा खोल लेंगे, और अब आप ध्यान से देखिए इस पंजे को उसकी कलाई के राउंड में आपको घुमाना है, 1 2 3 ये देखिए ये उसकी कलाई से हम आजाद हो गए। फिर से एक बार देखते हैं, कलाई को कैसे हमने पकड़ा, पंजे को हमने खोला, और राउंड में दाहिनी साइड से ये घुमा के हमने आजाद कर दिया। फिर से एक बार देखिए, अब यही कलाई फिर से एक बार हमने पंजे को खोला, और इस बार जो राइट साइड में हम गए थे इस बार बाई साइड में कलाई को छुड़ा देते हैं। मान लीजिए उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है तो हम तीसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से एक बार इस कैच की पोजीशन आप देखिए, ये हुआ, और मान लीजिए उसकी कलाई की पकड़ बहुत मजबूत है तो घुमा दिया, इस पंजे को ताकत से घुमा दिया, इस पर अपने बाएं हाथ की हथेली से घुमा दिया। तो ये तरीके है सिंगल रिस्ट कैच। अब अभी मैंने बताया था कि हो सकता है कि वो अपने दाहिने हाथ से आपके दाहिने हाथ के रिस्ट को कैच करे, ये देखिए क्रॉस है हमारा दाहिना हाथ, इस टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, मुट्ठी बंद रहेगी, मुट्ठी को खोल देंगे, और कलाई को जो है राउंड करते हुए एक झटके से खोल देंगे। एक बार फिर रिस्ट कैच कीजिए, पंजे को खोला और कलाई को घुमा दिया, राउंड करेंगे उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से विपरीत पोजीशन में, एक बार हम राइट साइड से एक बार लेफ्ट साइड, दोनों तरीके से हम घुमा सकते हैं। एक पोजीशन इसमें और है आत्मरक्षा के लिए, छात्रों को जानना अनिवार्य है। मान लीजिए कि उसने काफी मजबूती के साथ पकड़ रखा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे,
और इसको थोड़ा सा अपने कलाई को नीचे करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर बैग बन जा रहा है, यहाँ पे मुट्ठी नीचे करने से गैप बन रहा है। अब हम अपने बाएं हाथ के पाल को खोलेंगे, ये पोजिशन गद्दी के नीचे वाली, और यहाँ पर खोलेंगे हिप्स करने से उसकी कलाई से हमारी कलाई आजाद हो जाएगी। ये मुट्ठी वाली मुट्ठी को नीचे किया, अब यहाँ पे उसकी पकड़ ढीली हो रही है, ध्यान रखिए हमको किसी से उसकी कलाई पे नहीं मारना, ये वाले हिस्से पे यहाँ पर हम दबाव करके एक पोजीशन और है जिससे हम भी बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए उसने कैसे किया, आपको कैसे पकड़ लिया है, आपने अपने मुट्ठी के ऊपर किया और अपने भाषण से आपने उसके अंगूठे को पकड़ा, ये अंगूठे को पकड़ा, अंगूठे ये है बचाव के तरीके, किस तरीके से हम सिंगल स्पेल से बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों हाथ से ये पकड़ा जाता है, दोनों हाथ से पकड़ लिया तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ से पकड़ने पर किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। अगर देखिए दोनों हाथ से बाया हाथ ऊपर या दाएं हाथ नीचे काफी मजबूत पकड़ होती है, अब हम हथेले की जो मुट्ठी है उसको खोल देंगे और सबसे पहले पोजिशन दोनों पैर आगे पीछे रहेंगे, सांस को भरेंगे, ताकत अंदर लेंगे और कोहनी को मोड़ते हुए पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। ये देखिए एक बार फिर से मुट्ठी बंद की, हम उसको खींचेंगे नहीं ना धक्का देंगे, इससे पकड़ ढीली नहीं होंगे, बल्कि कलाई को खोल देंगे और कलाई को मोड़ेंगे अंदर की तरफ, दोनों रिस्क के पैसा के दोनों रिस्क के अंदर की तरफ से मोड़ के इसको अपनी तरफ देखिए क्या करेंगे, कल करेंगे हो सकता है उसकी पकड़ मजबूत हो तो हम अपने भाई की मदद लेंगे और लोगी को पकड़ के और उसको घुमाएंगे वापस उसी तरफ खींचेंगे, इससे उसकी पकड़ से हम आजाद हो सकते हैं। एक और पोजीशन है जिसमें पकड़ के सिंगल हैंड पकड़ ही है, जिसमें यह तो आगे से बहुत मजबूती के साथ पकड़ लिया है तो हम क्या करेंगे, उसके हथेले के नीचे अपना हथेली रखेंगे और दांत से उसके अंगूठे को जोर से जितनी जोर से हो सकता जिससे उसकी पकड़ धीमी हो जाएगी। इस तरीके से ये बचाव के तरीके, मान लीजिए कि दोनों हाथ से उसने दोनों हाथ को पकड़ रखा, अब आप देख रहे हैं दोनों हाथ पकड़ लिया गया है, कैसे आत्मरक्षा की है उसकी पकड़ से कैसे आजाद हुआ है, इसमें भी पोजिशन यही रहेगी दोनों हाथ में और दोनों पाल को खोल देंगे और हाथ को अपनी तरफ मोड़ते हुए कोहनी को छक्का देंगे और तेज देंगे दोनों पैरों से, ये पोजीशन जब होगी तो उसी कलाई से आजाद हो सके। एक बार फिर से देखिए डबल हैंड रिस्ट कैच है, इसमें दोनों हाथ पकड़ लिए गए हमें, जिसमें पंजे को पाल को खोलना है और मोड़ना है, दोनों पैर क्रॉस रहेंगे, सांस भरेंगे, कंबर पोजिशन में रहेंगे और हथेलियों को अपने अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक झटके से अपने ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये पोजिशन हो गई, ये इस तरीके से बचाव करना है। मान लीजिए पीछे से कोई आपको
पकड़ लेता है इस तरीके से, तो इसको बिना मालूम होता है। ये देखिए ये पोजिशन है, मान लीजिए पीछे से पकड़ लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पैर को क्रॉस करेंगे, आगे पीछे करेंगे, स्थान को आगे करेंगे, चाहे किसी का बाएं पांव मजबूत है आगे रख सकता है, दाहिना पांव मजबूत है आगे रख सकता है, तो हम स्थान को आगे रखेंगे, अक्सर दाहिना पांव सब आगे करते हैं और कलाई को खींचेंगे नहीं, ताकत नहीं लगाएंगे छूटने का, बल्कि कलाई को मोड़ेंगे अपनी तरफ, कलाई को अपनी तरफ जोर से मोड़ते हुए और आगे की तरफ जाएंगे। ये पीछे से रिस्ट पैड से बचाव का तरीका है। मान लीजिए दोनों हाथ पकड़ के सामने से, तो हम चीज करके कैसे उससे बचाव, अब देखिए दोनों हथेली से उससे हथेली को हम पकड़ लेते हैं, उससे हमारी हथेली को कलाई को पकड़ा है तो हम उसी कलाई को पकड़ेंगे, और बसे पावर पर देखिए पैदा है बाईस पावर का बैलेंस बनाएंगे और करेंगे और पेट बात करने के बाद हम वापस अपनी पोजिशन में जाएंगे। तो आज हम कलाई की पकड़ और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है, किन किन तरीकों से, आज हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की। जहां कहीं भी किसी को कोई समस्या आएगी वो हमसे कंसल्ट कर सकता है। आप इन बारीकियों को सीखिए, बहुत ही आसान भी दिया है, हम चाहेंगे तो आपको वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं, तो किस तरीके से आज आप कलाई की पकड़ और उससे बचाव के तरीके हैं, कल तक हम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में दूसरी वीडियो पे चर्चा करेंगे। रिकॉर्डिंग लगा बहुत रहा हूँ। नीरज जी आपका सेशन समाप्त हो गया क्या? सर आपका सेशन समाप्त हो गया क्या? नीरज जी आवाज को पिन कर ले। नीरज जी आपका सेशन समाप्त हो गया? जी सर। ओके ओके, तो अब बच्चों से विदा लिया जाए। डॉक्टर संजय जी, संजय सर, अब बच्चों से विदा लिया जाए। ओके बच्चों, इस तरह से आपने आज देखा, एक अपने तरकीब देखी किस तरह से रिस्ट से हम बचाव करते हैं, कलाइयों की पकड़ को कैसे छुड़ा सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं और अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। बेटा मूल चीज होती है अब मन की भावना, लेकिन मन की भावना आसमान से नहीं आती, मन की भावना अपने शरीर के कर्तव्य से आती है। तो थोड़ा बहुत आप अपने घर में हाथ पर हिलाइए, अभ्यास करिए, अपने एक हाथ से पकड़ करके, अपने किसी फ्रेंड का पकड़ करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, किस तरह से हम ये चीजों को सीख सकते हैं। इसी तरह से अपने फ्रेंड के साथ आप व्यवहार करें, उसे सीखें, उसको सिखाएं, तो इस तरह से धीरे धीरे ये बातें अभ्यास में आ जाएंगी। तो बच्चों माइक का ऑन है किसी का, तो मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग को ऑफ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा और ये शासन को भी भेजा जाता है, और आपको भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं।
मैं नीरज जी अब बंद करते हैं। जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों, आप सबने समय से अपने को जोड़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना कि आप अपने मोटिव को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। तीन दिवसीय मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के अंतिम दिन आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी पिछले दो दिन से हम लोग लगातार बचाव की नई नई स्किल और कुछ स्किल आक्रमण की भी हमने सीखी। मेरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इसका अभ्यास किए होंगे, सभी छात्र छात्राएं, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमको संकट का सामना करना पड़ जाता है। किसी का घर एकांत में है या कहीं आप एकांत में पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास बनाए रखकर संकट का सामना करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो है घबराहट में धैर्य छूट जाता है और आदमी खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। बल्कि ऐसे सिचुएशन में अपने को ढांढस बधाइए और हिम्मत बांध के परेशानी का मुकाबला करिए और डट का मुकाबला करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिले। आज हम आपको दो तीन नई स्किल बताएंगे, दो तीन नए तरीके बताएंगे कि अभी तक आपको पीछे से आगे से हाथ पकड़ना, इन सबसे कैसे आपने बचाव के तरीके सीखे। लेकिन अब आज हम आपको दिखाएंगे कैसे यदि कोई आपके दोनों गले को दोनों हाथ से पकड़ ले तो आप क्या करेंगे, क्योंकि गले की पकड़ तो बहुत मजबूत होती है, दम घुटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप कौन सी सिचुएशन से अपने आप को किस स्किल से बचाएंगे, वो हम आपको डेमो करके दिखाते हैं और आप उसका अभ्यास करें। आते हैं फिर जी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से विरोधी आपको आपके गले से पकड़ सकता। ये दोनों हाथ फैलाकर गले को पकड़ो, किस तरीके से बचाओ करना है आपको, ये आपको सबसे पहले विरोधी ने आपके गले को पकड़ लिया, तो आप तुरंत अपने को कंफर्ट पोजीशन में ले आइए, अपने को बैलेंस करिए। यदि आप दोनों पैर बराबर रखते हैं तो वो आपको धक्का देके गिरा भी सकता है, तो आपको धक्का देके गिराए ना, इसके लिए तो आप अपने बॉडी वेट को दोनों पैरों पे बराबर ले आइए, क्रॉस लेग, और तुरंत जो है अपने बाएं या स्ट्रांग हैंड से उसके बाल को पकड़िए। बाल को अगर आप नहीं पकड़ पाते तो माथे के साइड से पकड़ के पीछे की तरफ धक्का देंगे और नीचे से हाथ ले जाके इस पाम को, ये हिस्सा जो होता है हथेली का, ये पाम का हिस्सा कहलाता है, और आप इसके बाल को पकड़ के जोर से पूरी ताकत से आप आवाज निकाल के हिट करिए और विरोधी चित्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो जबड़े का एरिया है यहाँ पर ठोकर लगते ही डिसबैलेंस हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, गले को पकड़ लिया
विरोधी द्वारा तुरंत आपके दोनों हाथ फ्री है क्योंकि उसने दोनों हाथों से आपके गले को पकड़ा है, आप तुरंत उसके बाल को पकड़ के नीचे से हाथ ले जाके आप यहाँ पे तेजी के साथ रिलीज करते हैं और अपने आप को छुड़ाते हैं। ये एक तरीका हो गया। सपोज करिए कि आप जा रहे हैं और पीछे से आपके गले को पकड़ा गया, ये देख रहे हैं गले को पीछे पकड़ लिया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप ऐसे पकड़ेंगे, छुड़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन पकड़ बहुत मजबूत होगी, वो छूटेगी नहीं। उस स्थिति में एक बार फिर आप कंफर्ट पोजिशन में आएंगे, अपने हाथों को जो है वो कोने से मोड़ेंगे और इसके दोनों हाथों पर भी करेंगे स्विंग करते हुए। अब बाद में देखा समझ से देखिए स्विंग किया, ये तरीका है। फिर से आप देख सकते हैं पीछे से कोई आपको पकड़ लिया तो आप दोनों हाथ को मोड़ेंगे और तेजी से उसकी कोहनी पे वार करेंगे, हाथ के इस हिस्से पे जहां पे उसने पकड़ रखा। तो ये दो तरीके हो गए, एक सामने से एक पीछे से। अब सपोज करिए यदि आपको हिट करना है कोई व्यक्ति, आप पास आना चाहते हैं, उसको हिट करना चाहते हैं, सांस को रोकेंगे। एक चीज और आप जान सकते हैं कि मार्शल आर्ट में मुंह से आवाज निकाली जाती है, साउंड किया जाता है। साउंड क्यों किया जाता है, एक अतिरिक्त एनर्जी निकलती है शरीर से, खुद को ताकत मिलती है, विरोधी पक्ष अचानक से उसके अंदर घबराहट आ जाती है कि ये अचानक क्या हो गया, कि तेज आवाज से चीख के साथ हमारे ऊपर ही अटैक हो गए, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, उसको ऐसी अपेक्षा नहीं रहती कि अगला शिकार जिसपे हम जिसको हम शिकार समझ रहे हैं अचानक उसके मुंह से तेज आवाज गुस्से से और प्रहार करने के साथ ये आ रही है, तो उसके अंदर भी घबराहट पैदा होती है, तो वो स्वयं को बचाने का प्रयास करते हुए भागने का प्रयास करने लगता है। तो ये जरूरी है, इसलिए मुंह से आवाज निकलती है हिट के साथ। अब आप देख सकते हैं कल मैंने ठीक है चल दो मुट्ठी किस तरीके से बांधी जाती है, ये अंगूठा है इन दोनों उंगलियों के बीच में, पंजे को ऐसे फोल्ड किया ये मुट्ठी हो गई। तो मैंने बताया था इस तरीके से आपको दोनों पैर को आप कंधे की चौड़ाई के बराबर खोलेंगे, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा आप कंफर्ट पोजीशन में आ जाए और जब हिट करने के लिए मैंने बताया था आप हाथों को स्विंग करेंगे। हिट करेंगे कहाँ पे, फेस जो है वो सबसे नाजुक जगह, नोज या हुड्डी या गले के आसपास का एरिया, ये तीन पॉइंट बहुत वीक होते हैं, जहां पर आघात लगते ही मूर्छा आने की संभावना रहती है, क्योंकि गले के आसपास होती है, नाक के आसपास से ब्लड आ सकता है, हड्डी टूट सकती है क्योंकि बहुत नाजुक हड्डी होती है नाक की। लेकिन अगर सिर पे प्रहार करेंगे तो ऊपर जो मैंडिबल होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए हमें टारगेट जो है जब भी हिट करना है वो नाजुक जगहों पर ही हिट करना है, जहां पे विरोधी को आघात तेजी से लग सके और उसकी पकड़ भी हो सके, वो भर सके, आप अपना बचाव कर सके। तो ये पोजीशन मैंने बताई थी कि जब आप मुट्ठी बंद करेंगे तो सीना थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, दोनों पैर कंफर्ट पोजीशन में और अपने स्ट्रांग हैंड से सबसे पहले उसके फेस पे हिट करेंगे और ये हाथ फिर जब वापस लाएंगे तो अगले हाथ से हिट करेंगे मुके से। ये बराबर ये पोजीशन चलती रहेगी और जब कमर के पास दोनों मुट्ठी आएंगी तो मुट्ठी की दिशा जो है वो ऊपर आसमान की तरफ होगी, ये कल मैंने आपको बताया। एक पोजीशन अटैक की होती है जब हम अपने मुट्ठी से न प्रहार करके एल्बो से हिट करते हैं। एल्बो के तीन पार्ट है, एक रेडियस अंदर का एक पार्ट ये ऊपर वाला है, एक बीच का है, एक ये नीचे का है, तीन पार्ट हो गए, तीनों से हम हिट कर सकते हैं।
पीछे वाले पार्ट से हम यदि कोई विरोधी पक्ष पीछे खड़ा है या दो लोग हैं हम पीछे हिट कर सकते हैं। ये पोजीशन देखिए, ये है जो पीछे से पकड़ने का प्रयास करता है, ये कोने से हमने हिट किया दोनों हाथ, या कोई साइड में आ रहा है तो हम जो हिट करते हैं तो साइड पे हिट करते हैं, दोनों हाथ से साइड पे हिट कर सकते हैं साइड में। ये दो तरीके होते हैं हिट करने के, एल्बो के निचले हिस्से से तीसरे पार्ट से। लेकिन यदि हम सामने से हिट करना चाहें रेडियस अपना के अपर पार्ट से कोहनी के, तो हम कैसे पोजीशन बनाएंगे? ये पोजीशन आप देखिए, सबसे पहले स्ट्रांग फुट एकदम आगे ये बनाया, मुट्ठी की पोजीशन, मुट्ठी की पोजीशन आप जानते ही हैं, और ये सामने पोजीशन आ गई। यानी कि आगे यदि आपके ऊपर अटैक भी होता है तो आप हाथ पे इसको सहन करेंगे। अब आप हिट कैसे करेंगे? इस कोने से करेंगे, इस पार्ट से। उसके लिए आप अभ्यास करेंगे। देखिए पहले ये पोजीशन हुई, इसके बाद ये वाला हाथ पीछे गया और ये कोने आगे। अब इस कोने से पीछे वाले हाथ से आपको हिट करना है तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे, एक दो तीन चार, घर से भी अभ्यास कर सकते हैं, दो तीन चार। अब आप दोनों कोने से लगातार अभ्यास कर सकते हैं, एक दो तीन चार, इस तरीके से आप दोनों हाथ से अभ्यास कर सकते हैं। वैसे इसके लिए आपको बारी से अक्सर स्पोर्ट की दुकानों में मिल सकती है, नहीं तो आप टाई करके जिसपे पंचेस का अभ्यास किया जाता है उस पर भी अगर आप डेली अभ्यास करें तो आपका ये हिस्सा स्ट्रांग हो जाता है और ये कुहनी का हिस्सा, क्योंकि जब आप कठोर चीज पे प्रहार करते हैं तो घात का प्रतिघात होता है, कुछ चोट इधर भी लगती है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से ये एरिया आपका मजबूत हो जाता है। इसलिए ये नहीं है कि आज आपने सीखा और कल किसी पे आपने ट्राई भी कर लिया आपको भी चोट लग सकती है। ये सब अभ्यास की चीजें हैं, ट्रेनिंग की चीजें हैं। इसीलिए ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आप कम से कम 15 दिन लगातार अभ्यास करें और अपने को स्वयं को खान पान और अभ्यास से स्वयं को पहले मजबूत कर। जब आप स्ट्रांग रहेंगे, आपके बॉडी पार्ट्स स्ट्रांग रहेंगे, तब आप अटैक करेंगे किसी के ऊपर तो ज्यादा आघात लगेगा। और ये नहीं कि हम एकदम कोई काम नहीं करते, कोई वर्क नहीं करते, शारीरिक श्रम का अभाव है और अचानक हमको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो निश्चित रूप से वो मजबूती हमारे अंदर नहीं रहे। तो ये अभ्यास की चीज है मार्शल आर्ट, और इसका प्रशिक्षण प्रतिदिन करना 1 घंटे कम से कम जरूरी है। साथ में उचित खान पान एवं आहार का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले गृह विज्ञान की हेड मैम अंजू मैडम ने बताया था कि कितनी शरीर को कैलोरी की जरूरत है, कितना हम बर्न करते हैं, कितना विटामिन प्रोटीन की हमारे शरीर को जरूरत है, किस तरीके से शरीर की मांसपेशियों को ताकत प्राप्त होती है खाद्य पदार्थों से, प्रोटीन विटामिन से, क्योंकि शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं की रोज टूट फूट होती है। अब उनकी मरम्मत का कार्य प्रोटीन विटामिन से होता है, वही जो है कई कोशिकाएं मृत होती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती है, जिन कोशिकाओं में टूट फूट होती है उनकी मरम्मत का कार्य प्रोटीन विटामिन अन्य खनिज खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्वों से होता है। तो यदि आप खान पान पर ध्यान रखेंगे तो शरीर आपका स्ट्रांग रहेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो अच्छी रहेगी, आप किसी भी परिस्थिति किसी भी स्थिति का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। तो ये चीज आपको बताना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब आप अभ्यास करते हैं शरीर की एनर्जी वेस्ट होती है और एनर्जी को वापस लाने के लिए कोशिकाओं
कि वो मजबूती प्रदान करने के लिए उचित खान पान की जरूरत होगी। डाइटिंग से या छरहरे बने रहने के लिए खाना छोड़ने से कोई लाभ नहीं है। आप फिट रहिए, बिल्कुल मोटे मत होइए, फुल मत होइए, लेकिन शरीर मजबूत रहनी चाहिए। यदि दैनिक जीवन में जो कार्य हम करते हैं उससे ज्यादा कार्य हमको करना पड़ जाए तो बिना थकान के, बिना थके हुए हम आसानी से सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न कर सके, ये एनर्जी, ये ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि एल्बो के इस भाग से जो है हिट करते हैं। अब किसी पैड पर इसका अभ्यास करके देखते हैं किस तरीके से हम हिट कर सकते हैं। पैड तो नहीं है, फाइल लेकर के हम दिखाते हैं। समझ लीजिए कि ये विरोधी पक्ष का जो है फेस है और हमने इसको पकड़ लिया। अभी हम उधर पे पकड़ के अभ्यास करेंगे तो चोट लगने की संभावना है। हम पैड पे इसका अभ्यास करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जिसको आप सही समझे उसको पकड़ते हैं और इस स्किल का अभ्यास करते हैं। ये लगातार आवाज के साथ साउंड के साथ भी करेंगे तो पूरा आपका ये कुहनी का पार्ट पड़ेगा और आघात पहुंचेगा। तो कुल मिला जुला के अभी तक परसों से जितनी भी स्किल सीखी आपने, वैसे स्किल तो बहुत सारी है, उसमें कई टेक्निक्स हैं जिसमें पैर से फंसा के गिराना या कभी कोई आपके गले को पकड़ लिया, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ गले को पकड़ लिया, आपने ये पकड़ा यहाँ पे हिट किया, इसकी बजाय आप ऊपर से आंख में जाके दोनों आंख में दोनों आंख आप दोनों उंगली से हिट कर सकते हैं, जिससे आंख में आघात लगने से उसकी धोनी खराब हो जाएगी और वो गिर जाएगा। तो ये धोनी पार्ट, हथेली का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको लगातार अभ्यास से आप मजबूत कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइजेस होती है जिसमें स्ट्रेचिंग वगैरह है जिससे आप उंगलियों को मजबूती दे सकते हैं। अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं। विरोधी पक्ष को कई तरीके से आप चोट आघात पहुंचा के अपना बचाव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो वीडियो प्ले होगा उसमें आप तमाम स्किल्स देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद नीरज जी, आपने बड़े पुरुषार्थ से, धन्यवाद सर, चीजों को बड़े संक्षेप में और बड़े ही तारतम्य तरीके से बताया।